हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर हम न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन मोटो G52 के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों मोटो G51 का सक्सेसर है एंड आज हम इस वीडियो में दोस्तों G52 के बारे में तो बात करने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसका कंपैरिजन जो है मोटो G51 के साथ में करने वाले हैं क्योंकि मोटो G51 का सक्सेसर है एंड अगर दोनों की प्राइसिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों दोनों ही जो है प्राइसिंग मतलब आसपास इतने को मिल जाते हैं। अगर अब वो आगे बात अभी हम बताने वाले हैं कि दोनों में से जो जो प्राइसिंग है दोस्तों वो क्या दोनों की रहने वाली है एंड फिलहाल दोस्तों दोनों का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि एक जो है यहां पर 4G स्मार्टफोन है, एक जो है यहां पर 5G स्मार्टफोन है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड देखेंगे दोस्तों दोनों में से कौन कितना पावरफुल निकल के आता है, गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहने वाला है, किसके फीचर्स मतलब ज्यादा अच्छे हैं देखो मिल जाते हैं, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर बता दें कि यहां पर मैंने वीडियो के जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को अगर देखना चाहते हैं तो आप जंप करके वहां पर दे सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से यहां पर चेक कर लें। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पर इसकी प्राइसिंग से। तो मोटो G52 की अगर बात करते हैं तो इसको इंडिया के अंदर तो 14,499 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो वहीं तो अगर कंपेयर करते हैं इसको हम यहां पर मोटो G51 से, तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो अगर इसकी लॉन्चिंग प्राइस की अभी हम बात कर लेते हैं तो वो जो है यहां पर 14,999 रुपए है, यानी कि 15,000 रुपए में इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था जब ये लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर अभी आप इसकी प्राइसिंग चेक करोगे यहां पर मतलब जो है तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको जो है 1,000 रुपए यहां पर इसकी प्राइसिंग अभी यहां पर कम हो चुकी है, तो इसके बाद जो ये स्मार्टफोन है 13,999 की प्राइस में देखो मिल जाता है, यानी कि अगर हम मेनली अभी की बात करें तो हमें यहां पर जो है 14,000 रुपए की प्राइस में G51 यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। आप इसे यहां पर फ्लिपकार्ट पर बाय कर सकते हो एंड वहीं इसको अगर हम दोनों की प्राइसिंग के बीच में फर्क देखते हैं तो वो हमें यहां पर 500 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये जो 500 रुपए का फर्क है ये कितना हमें यहां पर जो है देखने को मिलता है, मतलब इस हिसाब से क्या फीचर्स यहां पर मिलते भी हैं या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं फाइनली इसके हम स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड फिर तो मैं लास्ट में शेयर करने वाला हूं अपने ओपिनियन कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो पसंद आ रहा हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर हम मोटो G52 से। तो इसके अंदर आपको मिलता है यहां पर 6.6 इंच का डिस्प्ले जो कि यहां पर दोस्तों POLED डिस्प्ले का यहां पर यूज किया गया एंड ये फुल HD प्लस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों POLED डिस्प्ले एक नई टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो है यहां पर POLED की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये जो है प्लास्टिक OLED यहां पर डिस्प्ले का यूज किया गया, जिससे कि क्या होता है ये डिस्प्ले काफी थिन रहता है एंड इससे स्मार्टफोन दोस्तों यहां पर काफी मतलब स्लिम में हो जाता है एंड डिस्प्ले जो यहां पर कलर्स वगैरह होते हैं ये OLED के मुकाबले दोस्तों एक स्टेप में बोलूंगा यहां पर और अच्छे आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो है मोटो के अंदर मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज के दोस्तों ये पहला डिस्प्ले यहां पर इस बार यूज किया जा रहा है एंड वहीं ये डिस्प्ले जो है ये आता है 19 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में एंड साथ ही अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके टच सेंसिटिविटी रेट की तो आपको वो यहां पर 360 हर्ट्ज के यहां पर देखने को मिल जाता है एंड वहीं अगर बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो आपको यहां पर पांडा ग्लास की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाती है। एंड विस्तो अगर कंपेयर करते हैं उसके ऊपर मोटो G51 से तो उसके अंदर आपको मिलता है 6.8 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ देखो मिल जाता है, साथ ही अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो वो आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाता है एंड वहीं तो इसके अलावा आपको जो है 240 हर्ट्ज का टच सेंसिटिविटी रेट देखो मिलता है एंड साथ ही तो बात करते हैं यहां पर इसके हम प्रोडक्शन वगैरह दोस्तों यहां पर प्रोडक्शन अभी यहां पर कंफर्म नहीं कौन सी आपको मिलती, जो भी हो उसको मैं आपको जरूर से यहां पर बता दूंगा। एंड फिलहाल दोस्तों अगर हम डिस्प्ले को दोनों को कंपेयर करते हैं एंड डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं, कलर्स वगैरह की बात करते हैं तो वो सीधी सी बात दोस्तों आपको जो है यहां पर मोटो G52 के अंदर देखो मिलने कुछ तो यहां पर POLED डिस्प्ले का यहां पर यूज किया गया है एंड वहीं का तो बात करते हैं स्मूथनेस वगैरह की तो वो जो है आपको मोटो G51 के अंदर देखो मिलने की तो वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का फीट मिल जाता है। दोस्तों यहां पर एक तरह से बोलूंगा कि यहाँ पर कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिटी वगैरह चाहिए डिस्प्ले की दोस्तों तो आपको मोटो G52 के अंदर मिलने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर मतलब क्वालिटी के मामले में तो जरूर से यहां पर मोटो G51 जो है यहां पर आगे निकल जाता है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं स्मूथनेस वगैरह की तो वो हमें G51 के अंदर देखने मिल जाती है। दोस्तों अगर डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो इस मामले में यहां पर जो है मोटो G52 जो है यहां पर आगे निकल जाता है, यहां पर टच सैंपलिंग रेट भी हमें काफी अच्छा मिल जाता है जो भी जो कि उसको यहां पर जो है गेमिंग वगैरह में हमारी काफी हेल्प करने वाला है जो कि 360 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे चाहिए तो आपको मोटो G52 के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहां पर डिस्प्ले कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं एंड वहीं अगर स्मूथनेस वगैरह आपको चाहिए एंड साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश चाहिए आपको है मतलब वही स्मूथनेस चाहिए अगर आपको तो मोटो G51 के साथ जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इसका अगर हम विनर की बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में
तो वो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है मोटो जी फ्री टू यहाँ पर निकल के आ जाता है। एंड वैसे तो बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो आपको मोटो जी फ्री टू के अंदर मिलता है यहाँ पर क्वालकॉम का चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जो कि यहाँ पर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंड वही तो अगर कंपेयर करते हैं मोटो जी फ्री टू से दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट जो कि एक 5G चिपसेट है। एंड अगर फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों अगर हम फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इस मामले में हाँ जरूर से बोलूंगा कि 680 जो है काफी पावरफुल है, यहाँ पर बैटरी बैकअप वगैरह आपको काफी अच्छे से मिलने वाला है। लेकिन भाई अगर तो बात आती है यहाँ पर जो है अगर परफॉर्मेंस की, तो इस मामले में यहाँ जरूर से 480 प्लस जो है काफी आगे निकल जाता है। एंड दोस्तों मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, आप जाके दोस्तों वो वाला वीडियो जरूर से यहाँ पर चेक कर लें एंड आपको पता चलेगा दोनों प्रोसेसर में से कौन कितने फीचर्स के साथ आता है एंड कितना पावरफुल है। एक और साथ ही दोस्तों एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो आपका 680 एक 4G चिपसेट है एंड 480 प्लस जो है ये एक 5G चिपसेट है, तो इसका जरूर सब लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा। बाकी दोस्तों अगर गेमिंग वगैरह की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, वो आपको जो है ज़्यादा बेटर आप यहाँ पर कर पाओगे, यानी कि 680 के अंदर भी कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको मीडियम जो सेटिंग्स है आपको मीडियम रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ अगर वहीं अगर बात करते हैं तो 480 प्लस की, तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से यानी कि मोटो G51 के आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर गेमिंग कर पाओगे। एंड वही तो अगर मोटो G51 के जो यहाँ पर चिपसेट दिया गया है 480 प्लस, ये तो यहाँ पर क्वालकॉम ने इसकी नेमिंग जो है यहाँ पर गलत की है। लेकिन वहीं अगर ये तो वैसे देखने में तो आपको 4 सीरीज का चिपसेट लगता है, लेकिन वहीं अगर इसको हम कंपेयर करते हैं किसी अदर क्वालकॉम के चिपसेट से दोस्तों, ये जो है यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 720G है ये उसके बराबर यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जरूर से सोच सकते हो आपकी जो इसकी नेमिंग की गई है वो एक तरह से यहाँ पर गलत की गई है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आप समझ गए कि जो परफॉर्मेंस है वो आपको किस में ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। एंड इसके बाद करते हैं यहाँ पर हम कैमरा सेटअप की, तो मोटो G52 के अंदर आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा दिया जो कि अल्ट्रा वाइड है, एंड 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर जो है डेप्थ कैमरा यहाँ पर दिया गया है। एंड वहीं तो फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। एंड वहीं कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर मोटो G51 से, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल जैसे सेम है, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ कैमरा मिल जाता है। लेकिन हाँ वही फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का देखने में मिल जाता है। तो फिलहाल तो अगर यहाँ पर कैमरा दोनों ही कैमरों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही मोटो के फोन है, तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों में एक सी देखो मिलने वाली है। एंड वैसे भी तो यहाँ पर मोटो की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो तो धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूव होती दिख रही है। एंड तो इमेज क्वालिटी के बारे में हम यही बोलोगे कि दोनों में यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी देखो मिलने वाली है। लेकिन हाँ वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 19-20 का फर्क आपको जरूर से मोटो G52 के अंदर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से वही बहुत ज़्यादा फर्क देखने मिलेगा, लेकिन हाँ यही बोलूँगा कि हाँ 19-20 का फ्रंट कैमरे के अंदर फर्क आपको देखने मिल सकता है। बाकी दोस्तों जो हमारा रियर कैमरा है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से SD यहाँ पर परफॉर्म करने वाले, क्योंकि दोस्तों दोनों यहाँ पर मोटो के फोन आ जाते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो मोटो G52 के अंदर आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, साथ में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है एंड साथ ही आपको चार्जर जो है बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड वहीं अगर कंपेयर करते हैं मोटो G51 से, तो इसके अंदर दोस्तों आपको मिलती है यहाँ पर 5000mAh की बैटरी HD सेम मिल जाती है, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर 20W की देखने मिल जाती है, जो कि मोटो G52 के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड यहाँ पर भी आपको चार्जर बॉक्स के अंदर दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि हाँ बैटरी के मामले में दोस्तों दोनों यहाँ पर सेम मिल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं अगर बात आती है तो यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग वगैरह की, फ़ोन जल्दी चार्ज होने की, तो ये चीज़ हमें जो है मोटो G52 के अंदर मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड साथ ही एक बात और बता दूँ कि मोटो G52 का जो प्रोसेसर है वो तो काफ़ी पावर एफिशिएंट है, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप भी आपको मोटो G51 के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। एंड इसका तो बात करते हैं अगर यहाँ पर हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की, तो आपको दोनों ही फोन के अंदर जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है एंड दोनों ही फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस मामले में यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड वैसे तो बात करें यहाँ पर इसके OS की, तो मोटो G52 के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 एंड साथ में आपको यहाँ पर स्टॉक UI यानी कि MyUX आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर कस्टमाइजिंग की जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड एकदम क्लीन एक्सपीरियंस होता है तो इसकी जो UI होती है। एंड साथ ही दोस्तों ना ही कोई ब्लॉटवेयर एकदम मतलब ना ही कोई एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड वहीं दोस्तों बात करते हैं मोटो G51 की, तो ये आता है एंड्रॉइड 11 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको एकदम क्लीन एक्सपीरियंस MyUX से मिल जाता है, तो एकदम क्लीन एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर भी होता है, क्योंकि मोटो के जो स्मार्टफोन होते हैं वो एक स्टॉक UI के साथ देखने को मिलते हैं, तो कोई भी एड्स ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो इस मामले में यहाँ पर दोस्तों मैं बोलूँगा कि हाँ मोटो G52 दोस्तों आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये शायद ही मतलब यहाँ पर एंड्रॉइड 12 बहुत सारी कंपनियाँ दे रही हैं, लेकिन फिलहाल सारी मतलब जो है इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन अभी आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मोटो को जरूर से एक लाइक बनता है। एंड वहीं तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम एंड्रॉइड अपडेट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा
आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका फोन दोस्तों कितने साल तक एकदम नया रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोटो जी 52 की, तो इसके अंदर जो एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर जो है एक साल का आपको OS देखने मिल जाएगा, यानी कि कन्फर्म है मोटो की तरफ से आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाएगा। एंड वही आपको 3 साल का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड वही अगर कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर मोटो G51 से, तो इसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, यहाँ पर भी आपको एक साल का OS देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। एंड वहीं आपको यहाँ पर जो है 2 साल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। तो अगर देखें तो अपडेट्स के मामले में भी यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि यार जो हमारा मोटो है यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, हालांकि दोनों के अंदर 1 साल का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें जब 13 मिलेगा तो वहाँ पर उसको हमें 12 देखने को मिलने वाला है। लेकिन वहीं अगर सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो वो मोटो G52 के अंदर हमें 3 साल के देखने को मिल जाते हैं, एंड वहाँ पर हमें 2 साल के मिलते हैं, तो इसके जरूर सब लोग ध्यान रखिएगा। एंड वैसे तो बात करें यहाँ पर इसके हम रैम एंड स्टोरेज वैरियंट की, तो मोटो G52 के अंदर आपको उसको यहाँ पर 2 रैम वैरियंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आता है 4GB रैम एंड 6GB रैम। यहाँ पर उसको LPDDR4S RAM का यूज़ किया गया है। एंड वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर हम इसके स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 64GB स्टोरेज एंड 128GB स्टोरेज। एंड वैसे अगर बात करें यहाँ पर स्टोरेज टाइप की, तो आपको यहाँ पर UFS 2.1 स्टोरेज यहाँ पर देखने मिल जाती है। एंड वहीं कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर जो है मोटो G51 से, तो इसमें शायद सिंगल स्टोरेज सिंगल रैम एंड स्टोरेज वैरियंट मिलता है आपको। यहाँ पर रैम की बात करें तो 4GB रैम मिल जाती है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी LPDDR4S RAM का यूज़ किया गया है। एंड वहीं बात करें अगर स्टोरेज की तो स्टोरेज भी यहाँ पर आपको मिलती है 64GB की मिल जाती है। एंड अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो आपको यहाँ पर UMCP स्टोरेज मिल जाती है, जो कि AMC 5.1 एंड UFS 2.1 के बीच में यहाँ पर प्लेस होती है। तो स्पीड वगैरह जो यहाँ पर मल्टीटास्किंग वगैरह वो यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाली है। एंड वहीं अगर दोनों का कंपेयर करते हैं तो इस मामले में यहाँ पर जो है रैम तो दोनों में हमें LPDDR4S RAM में मिल जाती है, लेकिन हाँ स्टोरेज की बात करते हैं तो UFS 2.1 हमें देखने को मिलती है मोटो G52 के अंदर। तो यहाँ पर जो रीराइटिंग की जो स्पीड है, मल्टीटास्किंग वगैरह है, वो आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। लेकिन फिर तो वही बात आती है अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो वो आपको मोटो G51 की तरफ देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस तो आपको वहाँ बेटर मिल जाएगी, लेकिन जो आप डेटा वगैरह कॉपी करेंगे एंड मल्टीटास्किंग वगैरह वो थोड़ी सी यहाँ पर बेटर रहने वाली G52 के अंदर। लेकिन प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी पावरफुल है यहाँ पर मोटो G51 का, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर मतलब उतनी ज़्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती है। लेकिन हाँ जो डेटा वगैरह कॉपी करेंगे तो उसके लिए जरूर से बोलूँगा कि मोटो G51 थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाती है। एंड वैसे तो बात करते हैं यहाँ पर हम कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो मोटो G52 जो है तो एक 4G स्मार्टफोन है, एंड साथ ही आपको 3.5mm जैक मिल जाता है। एंड इसके अलावा तो आपको यहाँ पर डुअल एलिमेंट वाईफाई मिल जाता है, साथ ही बात करेंगे अगर ब्लूटूथ की तो वो आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, एंड साथ ही आपको यहाँ पर NFC भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड फोन जो है डुअल सिम सपोर्ट के साथ देखो मिल जाता है। एंड वही कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर जो है मोटो G51 से, दोस्तों ये एक जो है 5G स्मार्टफोन है। एंड यहाँ पर अगर बैंड्स की बात करते हैं तो आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि कन्फर्म है आप 5G यहाँ पर फ्यूचर में यूज कर पाओगे। एंड इसके अलावा तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर डुअल एलिमेंट वाईफाई को देखो मिल जाता है, एंड साथ ही यहाँ पर भी आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात होती है, आप जो है दोनों ही फोन्स के अंदर जो है पेमेंट वगैरह यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, एंड जो भी NFC कनेक्टेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों NFC मिलता है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों कंपेयर करें यहाँ पर हम कनेक्टिविटी फीचर्स को, तो दोस्तों इस मामले में देखा है तो एक 4G स्मार्टफोन है, यानी कि 4G है हमारा G52 एंड 5G जो है तो वो है यहाँ पर मोटो G51, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई है। लेकिन हाँ वहीं अगर अदर्स फीचर्स की बात करें तो वो तो हमें दोनों में यहाँ पर सेम देखने मिल जाते हैं, लेकिन हाँ ब्लूटूथ 5.1 हमें देखने को मिलता है मोटो G51 के अंदर, एंड 5.0 मिल जाता है हमें यहाँ पर मोटो G52 के अंदर, तो ये तो इतना मैटर नहीं करता है हालांकि। लेकिन वहीं अगर उसको बाकी अदर्स फीचर्स की बात करें तो NFC आपको दोनों में देखने मिलता है, 3.5mm जैक दोनों में देखने को मिल जाता है, तो यही बोलूंगा कि हाँ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी फोन के लिए। एंड बाकी एक 4G एक 5G तो आपको दोस्तों यहाँ पर पता ही है। एंड इसके दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर हम इसके जो है स्पीकर्स की, तो आपको जो है मोटो G52 के अंदर यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं, साथ ही आपको डॉल्वी एटमोस का यहाँ पर सपोर्ट देखने मिल जाता है। एंड वही कंपेयर करते हैं मोटो G51 से, दोस्तों ये जो है यहाँ पर सिंगल स्पीकर यहाँ पर देखने मिलते हैं, एंड साथ ही यहाँ पर भी आपको डॉल्वी एटमोस का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो अगर स्पीकर्स वगैरह की बात करते हो तो जो लाउडनेस वगैरह आपको देखने को मिलने वाली है वो यहाँ पर जो है मोटो G52 के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पर क्या डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या फिर जो है मल्टीमीडिया जो यानी कि वीडियो वगैरह देखते हैं एंड साथ ही गेमिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर जो सराउंडिंग इफेक्ट आपको मिलने वाला, तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखो मिल जाती है मोटो G52 के अंदर। तो स्पीकर्स के मामले में यहाँ पर जो है मोटो G52 जो है आगे निकल जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर फुल HD में जो है कंटेंट एंजॉय करने की, यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड जो है जो आपके डिजनी प्लस हॉटस्टार पर, तो आप तीनों ही प्लेटफॉर्म पर जो है फुल HD में कंटेंट दोनों ही फोन्स के अंदर एंजॉय कर पाओगे। तो दोनों के अंदर जो है वाइडबैंड 11
सैमसंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात हुई। आजकल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की, दोस्तों वो आपको दोनों ही फोन के अंदर मिल जाता है, यानी कि जो 4G प्लस की कनेक्टिविटी है वो तो आपको दोनों ही फोन के अंदर मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। तो इस मामले में यहाँ पर दोनों ही फोन जो यहाँ पर सेम परफॉर्म करते हैं। एंड इसका दोस्तों बात करते हैं फाइनली हम इसकी प्राइस के बारे में, तो मोटो G52 की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो बेस वेरियंट आता है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये 14,499 की प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं तो इसका ऊपर जो है आपको 1,000 रुपये का ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि HDFC के क्रेडिट कार्ड पर दिया जा रहा है, तो उस पर जो इसकी प्राइस रहने वाली है उसके बाद में तो ये 13,499 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है तो वो यहाँ पर सभी के पास नहीं होने वाला है, तो मैं नॉर्मल यूज़ को यहाँ पर लेकर अपने ओपिनियन यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है G51 की, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 13,999 है। हालांकि अभी तो अगर सेल वगैरह इस पर आती रहती है, एंड अभी भी इस तो यहाँ पर सेल चल रही है जो कि एक्सिस बैंक के कार्ड पर सारे आपको यहाँ पर ऑफ दिया जा रहा है, तो उसके बाद में जो मोटो G51 है ये 13,249 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंकली दोस्तों ये तो हो गई उन यूजर्स की बात जिनके पास दोस्तों कार्ड वगैरह है एक्सिस का, फिर HDFC क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो ये उनके ऑफर्स की बात हो गई, तो वही लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास भी कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अगर अपने ओपिनियन अगर शेयर करें आपके साथ में कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि एक 4G स्मार्टफोन है एक 5G है, तो पहले तो ये चीज़ चेंज हो जाती है कि आपको लेना कौन सा स्मार्टफोन है, 5G लेना है या फिर 4G लेना है। क्योंकि अगर आप 4G लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मतलब कंप्रोमाइज़ आपको करना जरूर से करने पड़ेंगे दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर, क्योंकि अगर आप 4G लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप जो परफॉर्मेंस है वो लोअर देखने को मिल जाएगी, मतलब इतनी भी लोअर नहीं मिलेगी हाँ, लेकिन अगर G51 की कंपेरिजन में जरूर से यहाँ पर लोअर देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं जो है आपको जो डिस्प्ले है तो वो तो यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं एंड अगर 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले को लेकर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर IPS पैनल देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा सीधा सीधा यही ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप दोस्तों एक 4G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से मोटो G52 जो है काफ़ी बेटर डील रहेगी, एकदम क्लियर डील रहने वाली है, क्योंकि मोटो G52 जो है मतलब काफ़ी गजब का स्मार्टफोन। अगर 4G स्मार्टफोन के अगर हम किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं जिसका 15,000 रुपये के अंदर बजट है दोस्तों, मैं यहाँ पर जरूर से उसे रिकमेंड करूँगा यहाँ पर, अगर 4G स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हैं तो मोटो G52 है ये काफ़ी बेटर ऑप्शन हो जाता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए आपको यहाँ पर एंड फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए, तो हाँ इसके लिए तो मैं जरूर से बोलूँगा कि आप मोटो G51 की तरफ जाइए, जो कि काफ़ी बेटर डील लेके आता है। लेकिन वहीं इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा ऑप्शन मैं आपको और भी दे रहा हूँ, अगर आप जो है अपना बजट को दोस्तों और भी यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि 2,000 रुपये से 3,000 रुपये अगर आप इंक्रीज कर सकते हो, तो इसी के बाद जो है यहाँ पर मोटो G71 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस कराएगा एंड वहाँ पर आपको किसी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्ले भी यहाँ पर एंड्रॉइड मिल जाता है एंड पावरफुल चिपसेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यही बोलूँगा कि हाँ अगर आप जाना चाहते हो तो G71 के साथ जा सकते हो। बाकी अगर आपका इतना बजट है तो पहले तो आप डिसाइड करेंगे आपको 4G लेना है फिर 5G लेना है, तो मैं दोनों के बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर दिए। फिलहाल दोस्तों ये थे यहाँ पर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आपको अभी भी दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो है मुझे इंस्टाग्राम एंड जो है ट्विटर पर दोस्तों DM जरूर करें, आपको वहाँ पर मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, आपका जो प्रॉब्लम है जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड फिलहाल दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मेरे ओपिनियन कैसा लगे, जो पसंद आया जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।